हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 10 रिटर्न गिफ्ट आइडियाज़ जो ओनली ऑन 1000 के अंडर में ही हो और आप अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में इसमें से कोई भी ऐसे रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हो। तो चलिए, फर्स्ट गिफ्ट आइडिया है प्लेट्स। आप अपने बच्चे की बर्थडे में जो भी बच्चे हो उनको ऐसी प्लेट्स गिफ्ट में दे सकते हो। देखिए, ऐसे स्माइली वाली या फिर ऐसे तरह तरह की बच्चों की प्लेट्स होती है, वो आप सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बल्क में ऐसे बहुत सारी प्लेट्स ख़रीदनी है तो आप किसी स्टोर में जाके ही खरीदें, क्योंकि वो आपको थोड़ा दाम कम करके देंगे। इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदने की जगह आप ऐसे स्टोर में या फिर ऐसे कुछ जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ से ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदे में रहेगा। वैसे तो कभी कभी ऑनलाइन में भी हमें सस्ता पड़ जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ अच्छा मिल जाए। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब सेकंड है पासवर्ड लॉक डायरी। आप इस तरह की डायरी भी बच्चे को गिफ्ट में दे सकते हो। और वैसे भी बच्चों को ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो ऐसी चीज़ें आप अमेज़ॉन से या फिर कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट है पिगी बैंक। आप बच्चों को इस तरह के पिगी बैंक भी गिफ्ट में दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक दो ही दिखाए हैं। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग शेप के आते हैं, तो आप उसमें से कोई भी ऐसे चूज़ करके गिफ्ट में दे सकते हो। और वैसे भी ये बच्चों की यूज़फुल चीज़ है, इससे वो सेविंग करना सीखेंगे, तो ये अच्छा गिफ्ट है। अब नेक्स्ट है फनी जंप ELF टॉय। आप इस तरह के कुछ टॉय भी उनको रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हैं। ये एकदम मज़ेदार टॉय है, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। ये भी अमेज़ॉन पे 1000 के अंडर में ही है, तो आप इस तरह का कुछ बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट है पेंसिल पाउच। आप इस तरह के पाउच भी बच्चों को गिफ्ट में दोगे तो उनको ज़रूर पसंद आएंगे। और ऐसे पेंसिल वाले जो पाउच आते हैं अलग शेप के, वो भी आप उनको गिफ्ट में दे सकते हो। ऐसे और भी अलग अलग शेप के पाउच आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज़ करके दे सकते हो। और ये भी उनकी यूज़फुल चीज़ है, वो इस पाउच को डेली यूज़ करेंगे, तो आप इस तरह का कुछ गिफ्ट में दे सकते हो। और अगर ऐसे पाउच आप किसी स्टेशनरी की दुकान में जाके ख़रीदेंगे तो वो आपको सस्ते दाम में देंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट है चॉकलेट एंड कुकीज़ बैग। इस तरह का आप कुछ घर पे पैक करके बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हो। देखिए, इस तरह की प्रिंटेड बैग आपको अमेज़ॉन पे या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। वहाँ से आप ख़रीद के उसके अंदर चॉकलेट और कुकीज़ भर के ऐसे पैक करके रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हो। अब नेक्स्ट है लंच बॉक्स। आप बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में ऐसे लंच बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हो। देखिए, ये भी आप अगर किसी स्टोर में जाके ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदे में ही रहेगा, क्योंकि आप बल्क में ख़रीदेंगे। अब नेक्स्ट है किड्स सिपर वाटर बॉटल। आप इस तरह के अलग अलग शेप वाले वाटर बॉटल भी बच्चों को गिफ्ट में दोगे तो उनको बहुत पसंद आएंगे और वो इसको यूज़ भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया है। इस तरह के आप अगर बॉटल बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में दोगे तो उनको लिटरली बहुत पसंद आएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट है वुडन कार्टून कैरेक्टर फोटो फ्रेम। आप बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में ऐसे फ़ोटो फ्रेम भी दे सकते हो। देखिए, यहाँ पे वो अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और इसके ऊपर अलग अलग कार्टून्स होते हैं, तो बच्चों को ये पसंद आएगा। चलिए अब नेक्स्ट है स्टेशनरी आइटम। आप बच्चों को इस तरह के स्टेशनरी आइटम भी गिफ्ट में दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे शार्पनर, इरेजर, पेंसिल और ये स्केल, इसका पूरा सेट है, तो आप इस तरह का पूरा सेट भी गिफ्ट में दे सकते हो। और ऐसा कुछ पेन होल्डर जैसा आता है, उसके अंदर सारी स्टेशनरी की आइटम होती है, तो आप इस तरह का भी कुछ बच्चों को गिफ्ट में दे सकते हो। ये जो पेन होल्डर जैसा है वो मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, ये भी 1000 के अंडर में ही है, तो आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, आज के 10 गिफ्ट आइडियाज़ पूरे हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज देना। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।